हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या किसी तरह की कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है या जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, चाहे मॉर्निंग हो इवनिंग हो या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ उस फिजिकल एक्टिविटी या उस वर्कआउट से पहले पीने वाले कुछ पांच ऐसे प्री वर्कआउट नेचुरल ड्रिंक्स हैं जिन्हें आप अपने घर पे तैयार भी कर सकते हैं या आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। सो हेयर आर फाइव प्री वर्कआउट नेचुरल ड्रिंक्स दैट यू कैन कंज्यूम बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कआउट। सो हमारा पहला ऑप्शन है वो है बीट रूट। अब बीट रूट इतना फेमस है, सभी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, या तो इसको आप एज इन रॉ भी खा सकते हैं या इसका जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जिस पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं या कोई जिम वर्कआउट करता है या अपने घर पे होम वर्कआउट करता है, उन सभी लोगों के लिए बीट रूट कुड बी एन ऑप्शन जिसको एज ए नेचुरल प्री वर्कआउट ड्रिंक कंज्यूम किया जा सकता है। बिकॉज ये हाई इन नाइट्रेट होता है, जिसका फायदा ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आता है, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिलीवरिंग द ऑक्सीजन इन योर ब्लड, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होती है, प्लस आपका जो मसल सोरनेस होती है उसके अंदर भी आपको बहुत मदद मिलती है। सो बीटरूट इज द बेस्ट ऑप्शन टू हैव इट एज अ नेचुरल प्री वर्कआउट ड्रिंक बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कआउट, क्योंकि आपने बहुत से फिटनेस गुरुज को कहते हुए सुना होगा कि आप जो है अपने वर्कआउट से पहले बीटरूट का जूस जो है कंज्यूम करें एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। अब आता है हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड सभी ने इसके बारे में सुना है, बहुत से लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं। सो ऐसे कुछ मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, बट जस्ट आपके लिए वो पांच ऑप्शन लेके आया हूँ जिसके अंदर दूसरा ऑप्शन है ग्रीन टी। ग्रीन टी हाई इन कैफीन होता है, इसलिए आपकी ये आपको अलर्ट रखता है, प्लस फोकस रखता है, प्लस आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। एंड क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सो इट ऑल्सो रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वर्कआउट, जो आपकी मसल्स को जो होता है उसको भी बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस कर देता है। सो ग्रीन टी इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन हैव इट बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कआउट। नाउ वी हैव अ थर्ड ऑप्शन दैट इज कॉफी। कॉफी एक सबसे पॉपुलर प्री वर्कआउट ड्रिंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे हर कोई कंज्यूम करता है अपनी फिजिकल एक्टिविटी या किसी भी तरह के वर्कआउट से पहले, बिकॉज इट कंटेन्स कैफीन इन हाई अमाउंट। सो आपको ये एकदम फोकस्ड रखता है, प्लस आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव रखता है, और क्योंकि इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके मसल डैमेज को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, प्लस आपके इन्फ्लेमेशन को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। सो कॉफ़ी कुड ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर यू एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारे पास वाटरमेलन जूस। अब जस्ट बिकॉज वी अभी ऑलरेडी हमारे समर सीजन स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अंदर, एंड वाटरमेलन इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आपको अभी इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि वाटरमेलन हाई अमीनो एसिड सिट्रुलिन होता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ उससे क्या फ़ायदे होते हैं। आपने बहुत सारे प्री वर्कआउट ड्रिंक्स भी देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा वाटरमेलन फ्लेवर में आते हैं, मतलब मोस्टली। सो जस्ट बिकॉज उसके अंदर अमीनो एसिड सिट्रुलिन होता है जो आपकी परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिफोर द वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट जो सोरनेस होती है, इन दोनों में ही आपको वाटरमेलन जूस जो है वो मदद करता है। सो वाटरमेलन इज द बेस्ट ऑप्शन टू हैव इट ड्यूरिंग द समर टाइम्स इफ यू आर डूइंग योर वर्कआउट, जिसके अंदर आपको अपने बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, प्लस आप बॉडी आपकी जो है हाइड्रेटेड भी रहती है, सो वो चीज़ भी आपको फेस करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। सो वाटरमेलन को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं बिफोर योर वर्कआउट। अब आता है हमारा लास्ट ऑप्शन जो है कोकोनट वाटर। अब क्योंकि कोकोनट वाटर हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो हमें हमारे ड्यूरिंग द वर्कआउट जो मसल क्रैम्प्स आते हैं उन्हें भी बहुत मदद करता है, प्लस आपकी परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है। एंड
जस्ट बिकॉज इट कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स इन अ गुड अमाउंट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है ड्यूरिंग द वर्कआउट. मतलब यू विल सी दैट एनर्जी लेवल इज एट द पार जहां पर आपको आपकी स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. एंड उस केस में आपकी बॉडी के अंदर अगर हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने कंज्यूम किए हैं तो आपको इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म योर एक्टिविटी इन अ प्रॉपर स्ट्रेंथ, या जिस स्ट्रेंथ के साथ आप करना चाहते हैं वो एनर्जी लेवल आपको मिले. सो कोकोनट वाटर इज ऑल्सो एन ऑप्शन, एंड आई मस्ट से दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसे आप जो है प्रिफर कर सकते हैं ड्यूरिंग समर्स. अब बात आती है इन सभी ड्रिंक्स की, जहां पर मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि जितने भी ड्रिंक्स मैंने आपको बताए हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, बिकॉज हर किसी की बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है क्या नहीं करती है. सो यू मस्ट ट्राई दीज ड्रिंक्स, जो चीज़ आपको सूट करती है आप उसी के साथ प्रिफर करें. मेरा ये कहना नहीं है कि आप सिर्फ बीटरूट पे स्टक हों या आप जो है कोकोनट वाटर ही कंज्यूम करें. हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर बीटरूट जूस पीने से आपको वो बॉडी आपकी एक्सेप्ट ना करें, या उस चीज़ की जो है एक्सेप्टेंस पावर उतनी नहीं है आपकी बॉडी के अंदर. इट्स नॉट एन इश्यू, यू हैव एन अदर ऑप्शन. आप कॉफ़ी भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं, एंड यू हैव वाटरमेलन जूस, एंड यू लास्ट ऑप्शन यू हैव एज अ कोकोनट वाटर. सो इन सभी में से आप ट्राई आउट कर सकते हैं. ये पांच ऐसे प्री वर्कआउट नेचुरल ड्रिंक्स मैंने आपको बताए हैं जो आप घर पे भी इजीली इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप मार्केट में इसे जाके जो है बाय करके अपने घर पे भी इसे जो है कंज्यूम कर सकते हैं. सो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी बनाता रहूँगा. एंड आई होप कि जो कंटेंट मैंने आपको डिलीवर करना चाहा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी चाहिए, वो आप तक पहुँची हो. और अगर आपके किसी भी तरह के कोई डाउट्स होते हैं देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.